हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। दोस्तों ने कल से मुझे कहना शुरू किया, डिस्कशंस भी हुई कि अब मिडिल ईस्ट में अचानक क्या हो गया। अब मैं सिर्फ बात करूंगा, मैं पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूं, बर्तानिया में रहता हूं, ठीक है जी। तो क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो इस वक्त आपको सियासतदान बातें करते नजर आएंगे, एनालिस्ट, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स, अगर कोई अपना अपना रागनी जो है वो अलापता है। अभी हुआ क्या है? इसराइल ने कुछ नहीं किया, इसराइल ने कभी भी कुछ नहीं किया। इसराइल ईरान से सब्बत का दिन ऑब्जर्व कर रहा था, और यानी कि एक मुकदस दिन की हॉलीडे भी मना रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो अचानक हमास के दहशतगर्दों ने हमला करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ अतराफ से, और आम जो शहरी थे इसराइली, निहत्ते शहरी और पुरमन जो फौजी थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया, और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग ख़वातीन को और बच्चों को, और कैसे कैसे उन्होंने चलते राहगीरों को शहीद किया, गाड़ियों के ऊपर गोलियां बरसाईं, और बिल्कुल ये एक नागहानी किस्म की आफत थी। और जिसके बाद फिर इसराइल ने बिल्कुल राइटली सो, उनका राइट है, दुनिया के बड़े लीडर भी कहते हैं, हालांकि लीडर जो हैं वो दो नंबर में करते हैं लफ्ज़ों की। अब जैसे जो बाइडन है अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप जो सबक सदर हैं, उन्होंने सही कहा, उन्होंने कहा कि जो बाइडन अब हमदर्दी दिखा रहे हैं तो पहले आपने $6 बिलियन ईरान को क्यों दिया है, क्योंकि ईरान तो खुला सपोर्टर है हमास का और हिजबुल्ला का, ठीक है जी, जो लेबनान के अंदर बैठी हुई। अब ये सब पर तोड़ रहे हैं, ठीक है जी। इन्होंने बेगुनाह इसराइलियों को शहीद किया है, बहुत से लोगों को ज़ख्मी किया है, 1400 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया, ठीक है जी। फिर जवाब में राइटली सो हमास की कमर तोड़ने के लिए मुँह तोड़ जवाब दिया इसराइल ने, और इनके ठिकानों को तबाह किया, इनके दहशतगर्द जो लीडर हैं उनको मलियामेट किया है, और जिनके उन्होंने अपना जवाब दिया है, ठीक है जी, जो उनका राइट बनता है। अब हम अपने पाकिस्तान क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो न्यूज़ चैनल हैं या जो एनालिस्ट हैं या आम जो मुसलमान दोस्त हैं, वो जनाब फ़लस्तीन के नारे लगा रहे हैं, गुन गा रहे हैं, और हर वक्त आपको मज़हब की ऐनक पहन के तो आप मामलत को देखते हैं। तो ठीक है, फिर हम भी मज़हब की नज़र से मामलत को देखेंगे। इसराइल के लिए हमारी हमेशा दुआएं हैं, हमारे कलाम मुकदस बाइबल मुकदस में क्लियरली लिखा हुआ है कि यरूशलम के लिए, इसराइल के लिए दुआ करो, अमन के लिए दुआ करो यरूशलम के, और इसराइल के लिए आप बरकत चाहेंगे तो आपको बरकतें मिलेंगी, अगर खुदा न खास्ता कोई लानत करता है तो उसके ऊपर लानत होती है, ठीक है जी। ये कलाम मुकदस होली बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो हम तो बड़े क्लियर माइंड के साथ, और हमेशा इसराइल जो है उसका राइट है, ठीक है जी, वो उनका अपना लैंड है, हिस्टोरिक हज़ारों साल से बनी इसराइल जो थे वो उस सरजमीन पे थे, तो बाद में आके लोग काबज़ हुए हैं। और पाकिस्तान में देख लें लोग या मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सिर्फ मज़हब के नज़र से तमाम मामलों को देखती है। अब बदकिस्मती से जो मगरबी ममालिक में कुछ लोग हैं जो या सियासी जो लोग हैं वो दूसरे मामलों की तरफ चले जाते हैं, वो मज़हब को चूँकि इतना बहुत पीछे टूट चुके हैं, वो सिर्फ सियासी लिहाज से सोचते हैं कि टूट स्टेट थ्योरी होगी तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे, वो इसराइल की या बिब्लिकल जो पेशन हुई है उनकी सिग्निफिकेंस को नहीं जानते। मैं मजहबी माहिर नहीं हूँ, ठीक है जी, आप मजहबी माहरीन से बात करके देखें आपको पता चलेगा, लेकिन मैं एक मसीह होने के नाते मैं आपको बता दूं, कल हम घर में बात कर रहे थे तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट सामने आया कि ये कोई जड़ा वाले के निहत्ते या बेचारे गरीब मजदूर मसीह नहीं थे कि जिनको मुल्लाओं ने आगे मारने की कोशिश की, घरों को जलाए या लूट के चले गए तो आगे से वो बेचारे चुप करके बैठे रहे। ये इसराइल है, माइटी इसराइल है कौम, देखने में दुनिया की एक छोटा सा मुल्क लगता है लेकिन उन्होंने नथ डाली हुई है ना, तो ये वो नहीं है पंगा। अब पाकिस्तानी देख लें न्यूज़ चैनल जनाब फ़लस्तीन की हमायत और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और ये हो जाएगा वो हर वक्त मज़हब का वो तड़का लगा के बात कर रहे हैं, तो ठीक है मज़हब की बात है तो फिर मज़हब की सही। तो इसराइल जो भी कर रहा है अपने जो उनकी एक सॉवरेनिटी है, जो उनका एक वजूद है, उसके तहफ़ के लिए कर रहा है, और खुदावंद ताला की ज़ात उनको हमेशा बचाती आई और बचाती रहेगी और अभी भी बचाया, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू, पूरी इसराइली अफवाज, उनकी एक अफवाज का नाम देखें इसराइल डिफेंस फोर्स, यानी कि डिफेंस का मतलब कि दिफा करना, अपने आप को डिफेंड करना, तो वो तो अपने डिफेंस के लिए बनाई गई है, ठीक है जी, वो कभी भी आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। हाँ, एक इसराइल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई उसको छेड़े तो फिर वो उसको छोड़ता नहीं है, सीधी सी बात। तो बहुत अफसोस हुआ, ये हमास की जो एक गीदड़ों वाली हरकत थी और पीछे से आके हमला किया सोए हुए या आम नहते शहरों के ऊपर, लेकिन यह कि फिर उसकी इतनी पसली है कि वो सह सके जब जवाबी हमला होता है। अब चुन चुन के इनको हमास के लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इनको पहले भी समझ लगी थी, अब भी लग समझ आएगी।
और बाकी रही बात रशिया जैसे मुल्कों की या चाइना जैसे, वो पता नहीं मज़हब से कितना दूर है कितना नहीं। हालांकि रशिया वाले अपने आप को ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन मैं उनकी स्टेट पॉलिसी सुन रहा था, वज़ीर ख़ारजा जो सर्गेई लावरोफ हैं वो कहते हैं कि जी 1967 वाली पोजीशन पे पता नहीं चला जाए इसराइल और ये हो जाए तो वो हो जाए, पता नहीं ये कैसे लोग हैं क्या हैं। और अमेरिका में भी देख लें, इसराइल के बड़े हमायती हैं नो डाउट लोग जो हैं या सियासतदान भी, लेकिन जो बाइडन जैसे लोग जो हैं प्रेजिडेंट बाइडन, वो पता नहीं कौन सी पॉलिसी चल रहे हैं। वो सुना है कि इसराइल को भी पैसे दे दिए हैं, उधर ईरान को भी पैसे दे दिए हैं, तो आप क्या कोई जंग करवाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म? इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो लोग हैं उनको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। बहरहाल आप दुआ में याद रखें, खिता जो है उसमें बेगुनाह जो है नहाते लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं और उनका कोई कसूर नहीं था, ठीक है जी। तो आप अमन के लिए दुआ करें, जब अमन हो जाएगा तो फिर शांति होगी, शांति होगी तो हर कोई सुख चैन से साथ सांस लेगा, ठीक है जी। और हमास जैसा जो फितना है इसको बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ना चाहिए, ये हर साल दो साल के बाद सर उठाता है, लेकिन ऐसे जो शर्मगेज लोग हैं इनका सर कुचला जाना बहुत ज़रूरी है। अमन के लिए दुआ करें, खुदावंद इसराइल को बरकत दे और हमेशा अपने पाक पनाह में रखा है, रखा है और रहेगा, ठीक है जी। और पाकिस्तान मसीह होने के नाते हम अमन के लिए दुआ करते हैं और इसराइल के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं, और चाहते हैं कि इसराइल के जो हमारे बहन भाई हैं उनकी भी निजात तक जो है वो नौबत पहुँचे, वो खुदावंद यसूल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने, और वो एक स्टेप की दूरी पर हैं अभी तक, वो निजात दहिंदा का इंतज़ार करें, जबकि निजात दहिंदा जो है वो 2000 साल से अब ज़्यादा हो गया आ चुका है, ठीक है जी। अब उस पर मान लाएँ और मुकम्मल निजात का जो है वो मज़ा लें। गॉड ब्लेस यू, और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने वाओ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बहुत मेहरबानी, खुदा खुद आपको बरकत दे।